आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि वजन कैसे घटता है, 1 kg वजन घटाने के लिए कितनी कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है, कितनी स्किपिंग करने से 500 कैलोरीज बर्न होती है, और जो लोग स्किपिंग नहीं कर सकते वे ज़्यादा स्किपिंग कैसे कर पाएंगे। कुछ भी स्किप करने जैसा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो स्किपिंग के बारे में ही है। वजन केवल एक तरीके से घटाया जा सकता है। हर शरीर को अपना वजन मेंटेन करने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए खाने से। जैसे मुझे 2000 कैलोरीज चाहिए अपना 84 केजी वेट मेंटेन करने के लिए, वो भी खाने से। यदि 2000 कैलोरीज में से 500 कैलोरीज मैं कम कर दूं तो मेरा वजन घटेगा। ये घटाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो मैं खाने में ही 500 कैलोरीज की कमी कर लूं, या फिर इतना काम कर लूं या मेहनत कर लूं कि मेरी एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज खर्च हो जाए। अब सवाल आएगा कि 500 कैलोरीज कम करने से कितने दिन में 1 kg वजन घट जाएगा। लेट्स सी, 3500 कैलोरीज इज इक्वल टू 1 pound, 1 kg इज इक्वल टू अबाउट 2.20 pounds, देयरफॉर 1 kg इज इक्वल टू अबाउट 7700 कैलोरीज। इसका मतलब यदि 7700 कैलोरीज बर्न करो तो 1 kg वजन घटेगा। और इसलिए 7700 डिवाइड बाय 500 इज इक्वल टू 15.4 डेज, मतलब लगभग 16 दिन। इसका मतलब यदि आप रोज 500 कैलोरीज बर्न कर देंगे या फिर कम खाएंगे तो आप 16 दिन में 1 kg वजन घटा लेंगे। लेकिन यदि आप 500 के बदले 1000 कैलोरी कम कर लें तो 16 के बदले 8 ही दिन में आप 1 kg वजन कम कर सकते हैं, और महीने के 4 kg। अब मैं सोच रहा हूँ कि यदि आप 500 कैलोरीज खाने में कम कर लें और 500 कैलोरीज स्किपिंग से कम कर लें तो आपको कितनी स्किपिंग करनी पड़े जिससे 500 कैलोरीज बर्न हो जाए। ये टोटली 3 सीन्स में डिवाइड होगा। सीन नंबर 1, यदि मेरी स्किपिंग करने की स्पीड 100 स्किप्स से कम है 1 मिनट के अंदर, तो मुझे लगभग 39 मिनट्स लगेंगे 500 कैलोरीज बर्न करने में। सीन नंबर 2, यदि मैं 100 से 120 के बीच में स्पीड रखता हूँ अपनी स्किप्स पर मिनट, तो मुझे लगभग 29 मिनट्स लगेंगे। सीन नंबर 3, और यदि मैं अपनी स्पीड 120 से 160 स्किप्स पर मिनट रखता हूँ तो मुझे लगेंगे लगभग 28 मिनट 500 कैलोरीज बर्न करने में। अब आप सोचेंगे इन तीनों में से बेस्ट सीन कौन सा है, कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत ही क्लियर है, सीन नंबर 2 में आप 120 स्किप्स करेंगे और सीन नंबर 3 में आप 160 स्किप्स करेंगे, जिसको करने में सिर्फ एक ही मिनट का फर्क आ रहा है 500 कैलोरीज बर्न करने में, लेकिन इसे करने में निकल जाती है सारी की सारी जान। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सीन नंबर 2, जिसमें सबसे कम टाइम में आप सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं और ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होगा। ऑब्वियसली यदि आप 100 टू 120 की स्पीड से यदि 29 मिनट्स तक स्किपिंग करेंगे तो आप लगभग 3000 स्किप्स कर लेंगे एक दिन में। प्रॉब्लम ये है कि 3000 स्किप्स करना थोड़ा मुश्किल है, सारे के सारे लोग 3000 स्किप्स नहीं कर सकते, स्पेशली वो जो आज से ही स्किपिंग स्टार्ट करने वाले हैं, वो 3000 तो क्या 300 भी नहीं कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे हम 2 स्टेप में। अगर कोई आपको 20 किलो का एक्स्ट्रा वजन लेके 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहे, वो भी अभी, यदि आप दौड़ गए तो उसके बाद जो होगा वही हमको अवॉइड करना। स्टेप नंबर 1 में हमको अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि फ्यूचर में हम ज़्यादा स्किपिंग भी कर सकें और इस प्रोसेस में हमको इंजरी ना हो। तो इनिशियली हम 50 स्किप्स करेंगे, उसके बाद 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक के बीच में जो भी आपकी बॉडी को सूट करे आप रेस्ट लीजिए, उसके बाद अगेन 50 स्किप्स करेंगे। जब भी आप 50 स्किप्स पूरे करेंगे इसे हम 1 सेट कहेंगे। पहले दिन मैक्सिमम सेट्स कर लीजिए, उसके बाद हमारा गोल ये है कि एवरी नेक्स्ट डे, हर दूसरे दिन आपको पिछले दिन से 1 सेट बढ़ाना है। सपोज़ आपने आज 4 सेट किए, मतलब टोटल 250, तो नेक्स्ट डे आपको 5 सेट करने हैं, मतलब 250, और उसके नेक्स्ट दिन 6 सेट,
7 सेट। इस तरह हमको ये करते रहना है तब तक जब तक आप 3000 तक न पहुंच जाए। स्टेप वन में आपको याद रखना है कि आपको एक्सरसाइज वीक में केवल 5 दिन ही करनी है और 2 दिन रेस्ट करना है। स्टेप टू आपको आपके एक्चुअल वेट लॉस गोल की तरफ बढ़ाता है, जिसमें आपको अब करना ये है कि अब आपको 50 के सेट के बदले 100 के सेट्स करने हैं और अगर पॉसिबल है तो 200 के सेट। दूसरी चीज़ ये कि आप 5 दिन के बदले हफ्ते में 7 दिन एक्सरसाइज करें। डाइटिंग के लिए आपको 500 कैलोरीज का डेफिसिट रखना है, जिसके लिए आपको अपने खाने की हर एक कैलोरीज काउंट करनी पड़ेगी। और मैक्सिमम चीज़ों की कैलोरीज आप हमारे इस वीडियो की लिस्ट में देख सकते हैं, जिससे आप अपने दिन के सारे खाने कैलकुलेट कर सकते हैं और 500 कैलोरीज का डेफिसिट। मैं हूं अजीत सिंह चौहान एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक ऑन लेजेंडरी लाइफ।